नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन से व्यापारियों ने चिंता जताई है। देश में लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे चौपट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। व्यापारियों को डर है कि वे लॉकडाउन का पालन कर कोरोना की जंग तो जीत लेंगे, लेकिन मंदी का सामना कैसे करेंगे। व्यापारियों की नजरें अब प्रशासन की ओर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, उल्लासनगर शहर एक औद्योगिक शहर है, जहां बड़े पैमाने पर कपड़े का भी व्यापार होता है। शहर में दुनिया भर से लोग खरीदारी के लिए यहां पहुंचते हैं। अब लॉकडाउन को 2 महीने हो चुके हैं। इन होलसेल रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली हैं। अब ये व्यापारी प्रशासन से गुहार लगा रहे कि इनको भी अपनी दुकानें 2 से 3 घंटे खोलने की अनुमति मिले। आइए जानते हैं क्या कहना है उल्लासनगर 5 के होलसेल जींस व्यापारियों के अध्यक्ष गोपी वाधवानी का। राजेश भाई, ऐसा है कि सही में ये हकीकत है कि जो हमारे जो अभी तो कमिश्नर साहब चेंज हो गए, लेकिन जो पहले के जो कमिश्नर थे उनका हमने काफ़ी बार उनसे मिले भी, बात भी निकाला, मैसेज भी भेजा उनको कि ये जो होलसेल का जो बिजनेस है कम से कम हमको 2 घंटा सिर्फ हमको खोलने को दीजिए, क्योंकि आज जब ये अचानक लॉकडाउन हुआ ना, तो सबका जो दुकान था ना, मतलब अचानक बंद हो गया, सबका माल बिखरा हुआ पड़ा है दुकानों में, कई दुकानों में तो चोरियां भी हुई है। अच्छा, अंदर चूहे हैं, किसके मतलब माल ख़राब हो रहा है, आगे बारिश आने वाली है, किसी के दुकान में लीकेज होगा, किसी के कारखाने में लीकेज होगा, उनको रिपेयरिंग करवानी है। तो ये सब चीज़ों का हमने काफ़ी सर चैनल के थ्रू उनको संदेशा भेजा, न्यूज़पेपर में, मीडिया में हमने बताया, लेकिन ये कमिश्नर ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अब ये जो नए कमिश्नर साहब आए समीर उनाले जी, हम उनसे विनती करते हैं कि मेहरबानी करके जो होलसेल जो गारमेंट के व्यापारी है उनको रोज़ कम से कम 2 घंटा दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे। हम उसमें पूरा जो लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंस है या जो भी नियम पालन है हम सब पालन करेंगे। ये सब दुकानदारों ने हमें बोला है कि हम एकदम से नियम पालन करेंगे, और हम आपके चैनल के थ्रू जो अभी नए कमिश्नर आए उनको उल्लासनगर में बधाई भी देते आने के लिए, और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जो भी होलसेल की दुकानें हैं जो 2 महीने से बंद पड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए उनको खोलने की अनुमति दी जाए। गोपी जी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो उल्लासनगर शहर है ये एक औद्योगिक शहर है, और इसके उद्योग को बढ़ाने के लिए हमारे शहर के व्यापारियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज मनपा का जो भी बजट है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा टैक्स व्यापारियों की तरफ से आता है, तो आप व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या अपील करोगे मनपा आयुक्त से? अपील तो अभी जो अभी पिछले कमिश्नर थे उनसे हमने की थी, लेकिन अभी जो नए कमिश्नर साहब आए उनको भी हम विनती करते हैं कि उल्लासनगर में जो समझ लीजिए व्यापारी है ना, एक बैकबोन है। आज महानगर पालिका मैक्सिमम व्यापारी के ऊपर ही चलती है, और ख़ास करके गारमेंट उद्योग से ज़्यादातर उससे ही चलती है, और 5 नंबर में तो मेन बिजनेस ही वही है। तो हम यही उनसे एक विनती करेंगे कि व्यापारी को जो टैक्स जो लेते हैं, हाउस टैक्स हुआ या बिजली बिल हुआ या पानी बिल हुआ, वो सरकार की तरफ से अगर हमें कुछ रियायत दी जाए उसमें, भाई 50% भी की जाए, तो बहुत सारे व्यापारी को एक एनर्जी मिल जाएगी और अपने आप को संभाल पाएंगे। बाकी आज की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि आप देखेंगे ना तो बैंक की EMI, घर के लोन, स्कूल की फ़ीस, क्लासेस की फ़ीस, और बहुत सारे और अपने वर्करों को, लेबर को संभालने में उनकी एकदम मतलब आर्थिक हालत ख़राब हो चुकी है। बातचीत ऐसा है कि अभी लॉकडाउन के हिसाब से हम लोगों ने पर्सनली तो मीटिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारा ये जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए उसमें सब लोगों का यही राय है कि कम से कम हमको मतलब रोज़ 2 घंटा ज़रूर खोलने को दीजिए, क्योंकि हम आज हम लोग दुकान खोलेंगे तो करोड़ों रुपये की हमारी बाहर उधारी है, दुकान खोलेंगे तो हम लोगों को पैसे आएंगे और हमारी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, और हम लोग अपने वर्कर्स को, लेबर्स को कुछ पैसा देंगे, कुछ मतलब शहर में कुछ एक समझ लीजिए आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। बाकी ऐसे बंद होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी अभी बात, ये जो कोरोना बीमारी है इसका जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक लोगों को अभी सोशल डिस्टेंस और ये सब जो भी नियम है वो पालन करके चलना ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को साल भर बंद करके बैठना है जब तक वैक्सीन निकल दिए। हम लोगों को अभी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि जैसे हम लोग अपना व्यापार भी चलावे और अपनी सुरक्षा भी कर सके। ऐसा है ना कि जो हमारी जो होलसेल की दुकानें हैं अभी जिस हिसाब से ट्रेन बंद है, बस बंद है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो न माल आएगा, न ग्राहक आएंगे, न हमारा माल बाहर जाएगा।
तो एक्चुअली हमारे दुकान खोलने का पर्पज़ क्या है कि हम लोग सिर्फ दुकान पर एक दो घंटा खोल के अपने जो जो कामकाज बिखरा पड़ा है उसको संवारेंगे, बाकी हमारे दुकान पे टोटल मतलब जो नियम का है वो पालन होगा, क्योंकि भीड़ तो होने वाली नहीं है, ग्राहक आएगा नहीं, हमारा होलसेल का काम है और दुकान खोलने का एक ही मतलब है कि एक दुकान खोलेंगे तो आर्थिक स्थिति सबकी सुधर जाएगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।